बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम विल का इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि विल के माने गा, गी, गे के होते हैं। लिसन वेरी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस ईयर द होल क्लास विल गो ऑन पिकनिक। दिस ईयर, इस साल, द होल क्लास, पूरी क्लास, तमाम क्लास विल गो, जाएगी, ऑन पिकनिक, पिकनिक पर। इस साल पूरी क्लास पिकनिक पर जाएगी। इस साल पूरी क्लास सैर व तफरी के लिए जाएगी, सैर व तफरी पर जाएगी, पिकनिक पर जाएगी। दिस ईयर, इस साल, विंटर मौसम सर्मा विल बी सो कोल्ड, बहुत सर्द होगा। इस साल सर्दी का मौसम बहुत ही सर्द होगा, बहुत ही सर्द रहेगा, बहुत ही सर्द होगा, बहुत ही ठंडा होगा। दिस समर ये गर्मी का मौसम विल बी होगा एक्सट्रीमली हॉट, शदीद गर्म। ये गर्मी का मौसम शदीद गर्म होगा, शिद्दत से गर्म होगा। दिस ईयर, इस साल, मैंगोज आम विल बी वेरी चीप, बहुत सस्ते होंगे। इस साल आम बहुत सस्ते रहेंगे, इस साल आम बहुत सस्ते होंगे। दिस ईयर, इस साल, देयर विल बी हेवी रेन्स, इस साल बकसरत बारिश होगी। दिस ईयर, इस साल, द रिजल्ट विल बी गुड, इस साल नतायज अच्छे होंगे। दिस ईयर, इस साल, आई विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, इस साल मैं क्लास में अव्वल नंबर से कामयाब रहूंगा, कामयाब होऊंगा। इस साल मैं क्लास में पहले नंबर से पास होऊंगा। दिस ईयर, इस साल, वी विल गो ऑन एजुकेशनल टूर, इस साल हम तालीमी टूर पर, तालीमी सफर पर, तालीमी सैर व तफरी पर, तालीमी टूर पर जाएंगे। डियर लर्नर्स, बस इस तरह मश्क करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, विल का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ किस्म के जुमले बनाते रहिए और अपने इंग्लिश की इस्लाह करते रहिए। किसी ने क्या खूब फरमाया है, कामयाबी मिल नहीं सकती मशक्कत के बगैर, नामवर होता नहीं कोई भी मेहनत के बगैर। दिल लगाया जिसने मेहनत से कभी हारा नहीं, गर्दिशे हालात ने उसे कभी मारा नहीं। बस आज के लिए इतना ही, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।